देखो वैसे बजट की जब बात की जाती है, नोटबंदी ने बजट को सब आम लोगों ने बिगाड़ दिया। अब पता नहीं कौन सा बजट है, आम लोगों के लिए तो कोई बजट लेके आया नहीं, जो पैसे वालों का उनका बजट है, आम लोगों का कोई बजट नहीं है। दूसरी बात, खासकर सवाई माधोपुर को कुछ सौगातें मिलनी चाहिए थी, कुछ उम्मीदें थी कि ये बजट से जो नोटबंदी हुई है कुछ काला धन निकला होगा, ऐसे कुछ इनके देशभक्त जो थे, मोदी भक्त जो लोग थे, इन्होंने ऐसी लोगों के बीच में अफवाहें फैला रखी थी कि जैसे ही बजट के अंदर कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, किसानों को बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा, जो इनकी घोषणाएं थी वो पूरी करेंगे। मगर देखा गया जब बजट का घोषित किया गया तो कुल मिला के वो निकला कि दिखाया तो बादाम थी और दी मूंगफली है, यानी बजट जीरो। मानते कोई आम जनता के लिए कोई बजट नहीं था, ये केवल नाम मात्र कुछ ही लोगों के लिए बजट था जो उनके हैं, उनके लोग आज भी, उनके लोगों के लिए बजट था और उनके लोग आज भी पैसे वाले हैं, उन्हीं के लिए बजट था। जहां सवाई माधोपुर रेलवे की जब बात की जाए तो सवाई माधोपुर रेलवे में बहुत सारी उम्मीद थी, 147 सीढ़ियों की जरूरत थी कि ये इस बजट में पास की जाए, और हर बजट में दिखाया जाता कि जयपुर और सवाई माधोपुर की जो रेलवे लाइन है वो दोहरीकरण किया जाएगा, पर उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। तीसरी बात यह थी कि दोहरीकरण के साथ साथ रेलवे का एक शटर स्पेशल कोई ट्रेन, शटर ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे कि खासकर सवाई माधोपुर से डेली आने जाने वाले लोगों के लिए भी विशेष सुविधा मिलेगी, पर उस पर अभी कोई जिक्र नहीं किया गया। अब पता नहीं हमारे सांसद जी पेपर में उल्टी सुलटी बात करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि शटर आपके सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए शटर चलाई जाएगी, मगर हमने तो रेलवे बजट में ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी पार्टी, ये भाजपा का बजट था न कि सरकार का बजट था, आम जनता का कोई बजट नहीं था, ओनली फॉर भाजपा का बजट था, और भाजपा ने पब्लिक के साथ शुरू से ही दोहरापन अपनाया है, पब्लिक से झूठ बोलते हैं, और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी सरेआम झूठ बोलते हैं, सरेआम जोड़ते कि मैं 50 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे चौराया बता देना, उस चौराहे पर लटूंगा। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ चौराहे का चयन कर लो, कब करोगे, 50 दिन की जगह तो 100 दिन हो चुके। मगर कुल मिला के बात यह है कि पार्टी ही जुमले वालों की पार्टी है और ये हमेशा जुमलेबाजी करते रहते हैं, पर इनको अब जो जनता इनसे सबक सिखाएगी आने वाले वक्त में, और खासकर 5 राज्यों के चुनाव है उसमें भी जनता इनको अच्छी तरह सबक सिखाने वाली, क्योंकि जनता पूरा मूड बना चुकी है। बजट पे जो आयकर की सीमा बढ़ाई गई है 3 लाख रुपए, 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है, वो मेरी समझ में वो काफी कम है, करीबन 5 लाख रुपए इसकी सीमा होनी चाहिए थी। रेल बजट में भी जो इन्होंने कोई खास ऐसा कमी, तो किराए भाड़े में कोई कमी नहीं करी है जिससे आम जनता को फायदा मिल सके, किराया भाड़ा वो कम ही रखा है। बजट हमने कल देखा ही नहीं, जानते बजट के बारे में? अखबार में तो पढ़ा होगा, अखबार भी नहीं पढ़ा मैंने। जानते बजट के बारे में? नहीं मिलता जी, नहीं जानते तो है, समझते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन देखा नहीं है। देखा बजट आपने? हाँ देखा ना। क्या है देखिए, अब तक के जो बजट आते थे उनमें लुभावनी और कागजी घोषणाएं होती थी अक्सर, जैसे कि हम लोग रेलवे की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर का दोहरीकरण और इलेक्ट्रीफाई, ये पिछले 10 साल से हर बजट में आता था कि इस बार हम लोग करेंगे और कोटा से और जयपुर के बीच में शटल चलाएंगे, तो वो अक्सर घोषणाएं हो जाती थी, जैसे टोंक के बीच और अजमेर होते हुए ट्रेन चलाएंगे, करौली से गंगापुर होते हुए ट्रेन चलाएंगे, वो आज तक नहीं चले। तो मुझे लगता उनकी अपेक्षा सच्चा और एक अच्छा बजट इस बार पेश किया, उसमें एक तो ये था कि करीब 1.5 अरब रुपया रोड इसके रेल सेफ्टी के लिए उन्होंने दिया है, और आम ऑल ओवर अगर बजट की बात करें तो बेहद ही अच्छा बजट मैं इसलिए कहूंगा कि नोटबंदी का, चूंकि मैं समर्थन करता था नोटबंदी का, उसी का एक पार्ट अगर हम लोग देखें तो 3 लाख रुपए के ऊपर कोई भी लेन देन है वो बिना चेक के नहीं होगा, वो पूरा पूरा जो लेन देन है वो केवल बैंक के चेक द्वारा होगा और खुला लेन देन नहीं होगा, तो ये अपने आप में भ्रष्टाचार को रोकने का बहुत अच्छा प्रयास है, इसके आगामी दुर्गम परिणाम निकलेंगे। और तीसरी बात, 3 लाख रुपए तक जो आम आदमी है उसको रियायत ये दी गई है, उस पर कहीं कोई टैक्स लगेगा नहीं, और एक जो और अच्छी बात ये थी 50,000 पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का एक वो भी इसमें रहे, और 2018 तक सबको लाइट देने का। तो कुल मिलाकर के बजाय थोती घोषणाओं के और लुभावने बातें करने के कुछ सार्थक प्रयास इसमें किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सार्थक प्रयास जो है रंग लाएंगे आगे, और अच्छा बजट है
स्वागत योग जी। बजट अच्छा है लेकिन इस पर केवल गांवों के विकास पर ही ध्यान दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। रेल बजट में जो उन्होंने अभी मतलब ऑनलाइन पे तो जो किराया कम किया है, लेकिन वैसे कुछ कम नहीं किया, तो ऑनलाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी ऑनलाइन को यूज़ करता नहीं, मुश्किल से तो 5% लोग यूज़ करते हैं, 95% तो काउंटर से लेते हैं, लेकिन तो उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा पब्लिक को नहीं होगा, वो बड़े लोग ही करते हैं इसको यूज, जो बड़े लोगों को इसका फ़ायदा होगा। बजट में कुछ नया विशेष दिया नहीं है, और कोई रेल वगैरह कोई और विशेष स्पेशल कोई अलग से बजट में कोई विशेष फायदा नहीं दिया गया। कुल मिला के बजट कैसा है? कुल मिला के बजट विशेष नहीं है, खास नहीं दिया, इससे बड़े गरीबों के लिए एक हल्का सा खुर्रा मारा है कि ऐसा विशेष फायदा किया है गरीबों को। आम बजट में वैसे तो बहुत बढ़िया रहा है बजट, क्योंकि गरीबों के लिए ज़्यादा इसमें सुविधा है, और इनकम टैक्स जो रेट बढ़ा दी इन्होंने और 3.5 लाख कर दी है 2.5 लाख से, और 5% जो इन्होंने रिबेट दिए 10% की जगह, वो भी एक साधारण मतलब मध्यम श्रेणी के आदमी को बहुत बड़ा फायदा है। और रेल बजट में इन्होंने ठीक है विकास के लिए, लेकिन नई गाड़ियां नहीं चलाई, इससे क्या भीड़ इतनी आती है कि जो गरीब आदमी है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। रेलवे में जितनी भी गाड़ियां चलती है या तो एक्सप्रेस चलती हैं या सुपरफास्ट चलती हैं, एसी कोच ज्यादा लगते हैं, जो आम पब्लिक जो 80% जो है गरीब और मध्यम श्रेणी है उनके लिए रेलवे में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ बड़े आदमियों के लिए ही सुविधाएं होती जाती है। रेल बजट में तो अपने यहाँ के जो वित्त मंत्री महोदय हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, साधारण तरीके से किया है, कोई ऐसा विशेष प्रावधान किया नहीं है, विशेष जनकल्याण का काम भी नहीं किया। वित्त जो बजट किया है फाइनेंस जो बजट दिया है उसमें उन्होंने इनकम टैक्स की छूट दी है, लेकिन छूट में भी उन्होंने क्लियर कट छूट नहीं दी 3 लाख तक की, जो जिनकी 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है उनको 2.5 लाख से ही टैक्स देना होगा, ये मेरी राय में उचित है। और स्लैब भी जो है वो 5% किया है, इसको बीच में 10% स्लैब कर देना चाहिए था, 10 लाख तो जो स्लैब करना था वो 10% कर देना चाहिए था, सिर्फ उन्होंने 5 लाख 10 लाख को 20% में डाल दिया, और बाकी 30% या कॉर्पोरेट्स के लिए उन्होंने 25% किया, तो 25% जनरल के लिए कर सकते थे, 30% नहीं करते उनको हमारी है, मतलब ये कोई विशेष में रियायत वाली बात जो है बजट में वित्त मंत्री महोदय ने। कल आम बजट और रेल बजट पास हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ, जो मोदी जी ने नोटबंदी करी उसके बाद जो उन्होंने जीएसटी लागू करा वो भी बिल्कुल उससे मैं संतुष्ट हूँ, जो आम जनता के लिए बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और ये करना ही चाहिए था और जीएसटी लागू होना ही चाहिए था। आम बजट तो देखिए ऐसा खोखला बजट मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष छूट कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ एक चीज इन्होंने जो की है वो ये है कि नोटबंदी की असफलता से जो इनका मुंह काला हुआ है इन्होंने उसको धोने के प्रयास किए, मगर वो ये सब उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। इन्होंने नोटबंदी की असफलता को लेकर के ना तो कोई बयान दिया, ना स्पष्टीकरण दिया, ना उसके फायदे गिनाए, यानी कि ये लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हैं हमसे कि नोटबंदी इनका पूर्णतः सफल असफल प्रयास रहा, और जिससे कि बहुत भारी इन्होंने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। बजट में इन्होंने जो प्रावधान दिए हैं सिर्फ 5% इन्होंने जो निम्न मध्यम वर्ग को छूट दी है टैक्स में, उस छूट को इन्होंने दूसरी दिशा से वापस ले लिया है, निम्न मध्यम वर्ग को भी कोई इन्होंने विशेष राहत नहीं दी है, ना ही इन्होंने ये बताया कि सरकार की पिछले कुछ सालों में जब से फूल सस्ता हुआ है इनको को जो अतिरिक्त आय हुई है, इन्होंने पेट्रोलियम सस्ता नहीं किया, इन्होंने ऑयल सस्ता नहीं किया, इन्होंने ना ही किसी बाई प्रोडक्ट का कोई सामान सस्ता किया, हर चीज पर अनाप शनाप टैक्स वसूले जा रहे हैं, वो सारा पैसा कहाँ गया इनकी अर्थव्यवस्था में, इनकी इस बजट में तो हमें कहीं भी उस पैसे का उपयोग इन्होंने करते हुए नहीं दिखाया है। रेलवे में भी इन्होंने चारों दिशाओं से पैसा लूटने की व्यवस्था करी पिछले 3 वर्ष के अंदर, उस पैसे का भी इन्होंने कहीं उस रेलवे में क्या विकास करेंगे क्या उसके बारे में कहीं कोई विजन नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से तो
इतना जो है घटिया और गंदा तरीके से इन्होंने बजट को बनाया है। इनको मालूम ही नहीं है कि पैसे का उपयोग कैसे करना है और पैसा कहाँ जा रहा है। ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटिया बजट हो नहीं सकता।